हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी। आज मैं आप लोगों के साथ थ्री ब्यूटीफुल से हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ, जो कि गर्ल्स पे, कॉलेज गर्ल्स पे, साड़ी पे, सूट पे और टाइप ड्रेस पे आप बना सकते हो। तो ये मेरे बाल इतने शाइन क्यों कर रहे हैं और इतने मस्त क्यों लग रहे हैं, तो मैंने यूज़ किया है यहाँ पे कंडीशनर, जो कि है न्यूट्रीग्लो का। आप भी चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छे लग रहे हैं। बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जा रहे हैं और शाइनिंग हो जा रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे बालों को। तो मैंने सोचा यहाँ पे ऐड कर दिया जाए इस वीडियो को थोड़ा सा, ताकि आपको भी अगर न्यूट्रीग्लो का चाहिए आपको अगर कंडीशनर, तो आप ले सकते हो, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करके ले सकते हो। अभी मैंने एक न्यू चैनल बनाया है जहाँ पे मैं लड़कियों की आवाज़ को उठा रही हूँ एंड जो भी हमारी इंडिया में प्रॉब्लम्स चलती हैं वो सब टॉपिक लेके आ रही हूँ और शेयर करूँगी आप लोग के साथ। अगर मेरे मन की बात है मुझसे जुड़ने के लिए उस चैनल पर जरूर जाइए। कहानी बाय प्रीत तिवारी चैनल का नेम है। और चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल है। कैसे बनाना है मैं यहाँ पे मतलब अपने माइंड से सोच रही थी, फिर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सिंपली मैंने यहाँ से क्राउन एरिया से अपने हेयर को उठाया है एंड टू पार्ट में डिवाइड किया है एंड इसको सिंपली नॉट लगाते जानी है, गांठ लगाते जानी है बालों के। इस तरीके से बहुत प्यारा सा हेयर स्टाइल होगा। अब अगेन आपको यहाँ से थोड़ा सा हेयर अपने लेयर के साथ ऐड कर लेना है जो आपने नॉट लगाई थी उसके साथ, और फिर अगेन उसमें नॉट लगा देनी है। इस तरीके से आराम आराम से करिएगा, बिल्कुल आसानी से आप बना लोगे, बहुत प्यारा लगने वाला है। मैंने फ्रंट में इस तरीके से लेयर छोड़े हैं, आपको अगर नहीं चाहिए तो आप फ्रंट से ही बना सकते हो। अगर आपका माथा छोटा है तो आप फ्रंट से बना लीजिएगा, लेयर मत छोड़िएगा। क्लिप मतलब जो भी कट अपने हेयर कट कराया है फ्रंट का, तो इस तरीके से बनाया है मैंने, काफ़ी अच्छा लगने वाला है। ध्यान से देखिएगा, तीनों हेयर स्टाइल काफ़ी प्यारे लगेंगे। तो इस तरीके से नॉट लगाते जानी है और देखिए कितना प्यारा लग रहा है साइड से, और बिल्कुल न्यू है और डिफरेंट है थोड़ा सा। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की न्यू हेयर स्टाइल की वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। मेकअप ट्यूटोरियल ब्यूटी पार्लर कोर्स सीखने के लिए मेरे सेकंड चैनल पर जाइए, प्रीत तिवारी टू सेकंड चैनल का नेम है। और कहानी बाय प्रीत तिवारी में आपको मिलेंगे डे बाई डे गर्ल्स के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, गर्ल्स टॉक्स है जो, वो सारी शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ जाइए चैनल पर देखिए, इंटरेस्टिंग लगेगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए कि काफ़ी प्यारा लग रहा है, एक डिफरेंट सा हेयर स्टाइल आ गया। बीच में आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो और अपने कॉलेज जाने के लिए रेडी हो। छोटे बालों के लिए बेस्ट रहेगा, छोटे बालों पे आप ये ट्राई करना जरूर, बहुत अच्छा लगेगा। तो दूसरी साइड आपको क्या करना है, तो चलिए ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल कम्प्लीट हुआ। सेकेंड में अगर फर्स्ट हेयर स्टाइल में आपको इस साइड भी कुछ करना है तो आप सिंपली इस तरीके से हेयर को रखना है एंड टू पार्ट्स में अगेन डिवाइड करना है इसको बालों को, और इस तरीके से नॉट लगाते जाना है। ओके, नॉट को थोड़ा टाइटली लगाएगा जिससे कि आपका जो हेयर स्टाइल है वो काफ़ी अच्छा दिखे एंड मैनेज दिखे आपके सारे हेयर। तो इस तरीके से नॉट लगाते जानी है बालों में। कॉलेज गर्ल्स के लिए बेस्ट रहेगा जींस टॉप डाल दे हो और बाल आपके काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, काफ़ी ज़्यादा से मतलब है ईयर लेंथ या फिर शोल्डर लेंथ तक, तो आप ये वाला हेयर स्टाइल कर सकते हो। बॉय कट में तो कोई हेयर स्टाइल नहीं होगा, वो तो हेयर कट ही हो गया बस। तो छोटे बालों में आप ये हेयर स्टाइल बना सकते हो, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब आपको इस तरीके से बनाने के बाद से सिंपली पीछे में इस तरीके से लेके जाना है और एक क्लिप से इसको अटैच कर देना है। तो इस तरीके से कर सकते हो आप अपना सेकेंड हेयर स्टाइल भी, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरी साइड भी ये ऐसे रहेगा एंड फर्स्ट साइड में भी जैसे आपने पहले देखा उस तरीके से। देखिए भी काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी डिफरेंट लग रहा है, काफ़ी यूनिक सा हेयर स्टाइल लग रहा है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस तरीके से क्लिप लगाइएगा कि दिखाई ना दे वो। ओके, तो ये हमारा सेकंड हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया। तो चलते हैं अभी थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। तो थर्ड हेयर स्टाइल के लिए आपको पहले साइड से जो आपने हेयर स्टाइल बनाया है ये वाला, इसको ओपन कर लेते हैं एंड थर्ड हेयर स्टाइल कंप्लीट करते हैं। तो थर्ड हेयर स्टाइल के मैंने यहाँ से बालों को ओपन कर लिया। अब आपको छोटे छोटे से सेक्शन लेने हैं बालों के एंड ये मैं ट्राई कर रही थी बट ये बनाऊँगी नहीं मैं, सेकेंड थर्ड हेयर स्टाइल उसका बताती हूँ मैं आपको। तो इसको छोड़ देते हैं एंड यहाँ से हेयर को लेते हैं थोड़ा सा और सिंपली आप इसको जैसे आप फ्रेंच छोटी बनाते हो ना वैसे ही आपको यहाँ पे बनाना है।
पहले, फिर मैंने ये भी ट्राई किया, फिर इसको भी छोड़ देते हैं, चलते हैं। अब जो बनाना है वो फाइनल यहाँ पे बनाने वाली हूँ मैं। तो इस तरीके से हेयर को लेना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एंड यहाँ पे अभी हमको फ्रेंच चोटी बनाना स्टार्ट करना है। दोनों साइड से लेयर ले लेके मिक्स करते जाना है बालों में इस तरीके से। टाइटली बनाइएगा, गर्मी का टाइम चल रहा है, बाल काफ़ी इरीटेट करते हैं हम लोगों को, तो इसको अच्छे से बांध के रखने की ज़रूरत है। और डिफरेंट डिफरेंट जिससे हेयर स्टाइल बताती हूँ, जिससे आप गर्मियों में भी अपने लुक को काफ़ी अच्छा और खूबसूरत दिखा सकते हो। सिंपल धुरा के बजाय आप इस तरीके से स्टाइलिश हेयर स्टाइल बना सकते हो गर्मियों में छोटे बालों के लिए। ये 3 बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश हेयर स्टाइल है, कॉलेज गर्ल्स, जीन टॉप के लिए, वेस्टर्न ड्रेस पे, सब पे जाएगा ये। इस तरीके से बनाते जाना है एंड तक। तो मैंने थोड़ा पीछे तक ले लिया, आपको जहाँ तक रखना हो वहीं तक आप रख के इसको छोड़ सकते हो। दोनों साइड से हेयर ले लेके चोटी में मिक्स करते जाना है, और जितना पतला लेयर लोगे साइड से उतना ज़्यादा हेयर स्टाइल अच्छा लगने वाला है। जैसे मैंने किया वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि सेल्फ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आती है, गाइस सबको पता है। तो इस तरीके से मैंने बनाया है एंड थोड़ा थोड़ा सा इसको खींच ले रही हूँ, जो कि हमारा हेयर स्टाइल है वो काफ़ी अच्छा दिखे। ओके, अब यहाँ पर हम लोग एक क्लिप लगा देंगे, और इस तरीके से आप 3rd हेयर स्टाइल भी कंप्लीट कर सकते हो यहीं पे रोक के। और सारे बालों को एक साइड ले लीजिए, लॉन्ग फेस के लिए बेस्ट रहेगा ये हेयर स्टाइल। इस साइड से ऐसे बना दो और एक साइड से पूरा फेस, चेहरे की तरफ सारे बाल रखो एक साइड में, तो काफ़ी लॉन्ग फेस पे बहुत अच्छा लगेगा ये हेयर स्टाइल। और अभी यहाँ पर मैं 4th हेयर स्टाइल बता रही थी, 5 हेयर स्टाइल है, सॉरी मैंने 3 बोल दिया था, 5 हेयर स्टाइल है ये। इस तरीके से रखना है एंड सारे बालों को एक साइड लेके आएंगे। अगर आपके बाल काफ़ी लंबे हैं तो भी ये जो 4th हेयर स्टाइल है काफ़ी अच्छा लगने वाला है। इस तरीके से हेयर के पास से मैंने लेयर निकाल दिया है एंड सारे हेयर को एक साइड में लेके आएंगे। और जो खजूरी चोटी बनाते हैं हम लोग, वैसे आपको यहाँ पे चोटी बनानी है। ओके, जिसके लंबे वाले हैं वो ये ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा। तो थोड़े थोड़े पतले पतले लेयर्स लेके इस तरीके से चोटी को गूंथते जाना है। और लंबे बाल हैं, गर्मियां हैं, आपको जूड़ा बनाना पसंद नहीं है तो भी आप ये ट्राई कर सकते हो, काफ़ी स्टाइलिश दिख सकते हो। थोड़ा थोड़ा एकदम लेयर लेके इस तरीके से चोटी को बनाते जाना है। तो जितना लंबा आपको गुथना है उतना लंबा आप छोटी को बना सकते हो, बट मेरे बाल इतने ही हैं तो मैं यहीं पे इसको ख़त्म करती हूँ एंड एक पतला सा रबड़ बैंड लूँगी और यहाँ पे लगा दूँगी। और काफ़ी अच्छा सा अट्रैक्टिव सा मैसी हेयर स्टाइल ये लगेगा, जो कि बहुत सुंदर लगने वाला है। तो ये लेयर मेरे छोटे हैं जो निकल गए हैं, रबड़ बैंड को लगा दिया है। अब क्या करेंगे, बाल पतले हैं तो इस तरीके से खींच लो, जिससे आपके छोटी में जो है वॉल्यूम दिखे और आपको अच्छा लगे आपकी चोटी के साथ, ऐसा ना हो कि अनकम्फर्टेबल हो कि बहुत पतला है या। तो इस तरीके से खींच लोगे तो थोड़ा वॉल्यूम दिखेगा। एंड ये हमारा 4th हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया, कॉलेज गर्ल्स के लिए बेस्ट रहेगा। सूट सलवार डाल देगा, पंजाबी सूट डाला हुआ है, तो ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो आप। ये हमारा 4th हेयर स्टाइल कम्प्लीट हो गया है, ऐसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वाह, इस जो हमने इस साइड से बनाया था फ्रेंच चोटी, इसको लास्ट तक लेके आते तो और भी प्यारा लगता है ये। तो ये हमारा 4th हेयर स्टाइल कम्प्लीट हुआ, अभी चलते हैं 5वें हेयर स्टाइल की तरफ। बहुत इजी है, तो 5वें हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, सिंपली चलिए 5वें हेयर स्टाइल की तरफ चलते हैं। 5वें हेयर स्टाइल में आपको सिंपली चोटी को खोलना नहीं है, इस तरीके से राउंड राउंड से लपेट देना है। और ये वाला हेयर स्टाइल आप पार्टी में गाउन ड्रेस पे ट्राई कर सकते हैं, छोटे वालों में इतना बड़ा और खूबसूरत आपका बन बन के रेडी हो जाएगा यहाँ पर। अब यू पिन से लो या बॉबी क्लिप्स ले लीजिएगा, यू पिन मैंने लगाए हैं क्योंकि मुझे आप लोग को दिखाना है, बॉबी क्लिप्स लगाओगे
तो लॉन्ग टाइम तक चलेगा एंड हेयर स्टाइल जल्दी खुलेगा नहीं। यू पिन हो सकता है कि गिर जाए बाद में, लेकिन सेटिंग स्प्रे लगा दोगे तो यू पिन भी नहीं गिरता है। फिर भी कितना मैसी सा खूबसूरत सा साइड बन बन के यहाँ पे रेडी हो गया है। वाह, आप चाहो तो ऐसे ही छोड़ सकते हो और थोड़ा सा इसको डेकोरेट करने के लिए आप फ्लावर्स यू पिन ले सकते हो या फिर इस तरीके का। देखिए कितना प्यारा सा बड़ा सा बन यहाँ पे दिख रहा है, जो कि इतने छोटे बालों में और काफ़ी स्टाइलिश सा लग रहा है यहाँ पर। तो बालों को डेकोरेट करने के लिए ये रखा है मैंने, ये मैंने मंगाया था अपनी बेबी का, मेरी बेटी का बर्थडे था तो उसको पहनाने के लिए, तो ये बर्थडे के बाद तो इसका काम खत्म, तो मैंने सोचा इस तरीके से यूज कर ली जाए। तो चीज़ें रहती हैं घर में तो आप यूज़ कर सकते हो, अपने लुक को काफ़ी खूबसूरत दिखा सकते हो, अपने बालों को हेयर स्टाइल को काफ़ी अच्छा लुक दे सकते हो। ये हमारा पांचवा हेयर स्टाइल ऑलमोस्ट डन होने वाला। तो नीचे से बहुत बड़ा था ये, तो उसको मैं इस तरीके से मोड़ के और यू पिन की मदद से इसको सिक्योर कर देंगे। तो ये हो गया हमारा पांचवा हेयर स्टाइल, जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है साड़ी के लिए, सूट के लिए, गाउन के लिए, ऑल इंडियन वेयर ड्रेस के लिए आप ये ट्राई कर सकते हो। तो आई होप कि आपको सारे हेयर स्टाइल अच्छे लगे। कौन सा हेयर स्टाइल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, और सारे ट्राई कीजिएगा, आराम से बना लोगे और डिफरेंट है, यूनिक है, बिल्कुल न्यू है, तो ट्राई कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जो न्यू चैनल है उसको भी आप लोग के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है, वहाँ पर डे बाई डे जो गर्ल्स की प्रॉब्लम्स होती हैं वो शेयर करते रहती हैं।